ममता सरकार के एक फैसले से आरोपी संजय रॉय और संदीप घोष की मौज ही मौज। जेल में खाएगा मटन बिरयानी और चिकन पुलाव। आखिर ममता सरकार ने ऐसा क्या फैसला लिया है, चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आर्टिकल मेडिकल में जो हुआ उससे ममता उभर नहीं पाई। उनके एक और फैसले ने लोगों में एक बार फिर से गुस्सा भर दिया है। कारण है ममता दीदी का एक और बड़ा फैसला। दीदी के फैसले के बाद लोग तो गाना भी गा रहे हैं भाई कि ममता दीदी को हुआ क्या है और आखिर दीदी के इस फैसले की दवा क्या है। जी हाँ, आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय और दूसरा आरोपी संदीप घोष जेल में मटन और चिकन का मजा लेने वाला है। आखिर बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने ऐसा कौन सा फैसला लिया जिससे जेल में बंद हर कैदी खुश नजर आ रहा है। देखिए, असल में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया जिसके अनुसार नवरात्रि के मौके पर जेल में बंद कैदियों को नवरात्रि के दौरान स्वादिष्ट भोजनों का आनंद मिलेगा। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने लंच और डिनर के मेन्यू में चिकन, मटन और मछली समेत सभी तरह के वेज और नॉन वेज व्यंजन रखे हैं। अधिकारी ने बताया है जानकारी के अनुसार कि दुर्गा पूजा के दौरान कैदियों के जीवन में बदलाव लाने के लिए ये निर्णय जो है ममता सरकार ने लिया है। जिन कैदियों ने अनजाने में गलती की और सजा पाकर जेल में है उनके लिए दीदी सरकार ने बड़ा दिल दिखाया है, ऐसा अधिकारियों का कहना है। हाँ भाई, बड़ा दिल तो ममता दीदी का है ही, तभी दिखा रही है। खैर, बताया ये जा रहा है कि 9 से 12 अक्टूबर तक पश्चिम बंगाल राज्य के सभी जेलों में दोपहर और रात के खाने में कैदियों को तरह तरह के व्यंजन परोसे जाएंगे। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, मटन हो, बिरयानी हो, चिकन करी हो, बसंती पुलाव हो, माछेर माता डाई पुई शाक माने मछली के सिर वाली मालाबार पालक होता है वहाँ बंगाल में, वो हो, माछेर माता डाई दाल माने मछली के सिर वाला दाल हो, जैसे व्यंजनों का स्वाद कैदियों को मिलेगा। त्योहार की खुशियां कैदी खो ना पाए इसके लिए ममता दीदी ने ये फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार ये सभी व्यंजन कैदी ही बनाएंगे। जेल अधिकारियों का कहना है कि ये व्यंजन कैदियों के साथ साथ रिमांड कैदियों को भी परोसे जाएंगे। नवरात्रि के दौरान षष्ठी से दशमी तक दोपहर और रात के भोजन के लिए ये मेन्यू जो है उपलब्ध कराया जाएगा। जेल अधिकारियों ने ये भी बताया है कि हर साल दुर्गा पूजा के दौरान अच्छा खाना परोसा जाता है, हालांकि इस बार ये फैसला कैदियों की इच्छा के मुताबिक लिया गया है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास कैदियों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए है। उम्मीद है ऐसे कार्यक्रमों से कैदियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा, ऐसा अधिकारियों का मानना है, ऐसा ममता दीदी का मानना है। अच्छा, ममता दीदी को ऐसा लगता है कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस आरोपी ने दुष्कर्म किया, जिसने घटिया काम किया, उसको मटन बिरयानी चिकन बिरयानी खिलाने से खुशी मिलेगी, सकारात्मक बदलाव आएगा। चलिए, ये भी सही है, ये भी ठीक है। मुख्यमंत्री है ममता दीदी, कोई भी फैसला ले सकती हैं, उनका जो भी फैसला होगा वो माना ही जाएगा राज्य में। देखिए, धर्म के रीति रिवाज के अनुसार ही कैदी अपनी पसंद का भोजन करेंगे। जो फैसला दिया गया है उसके अनुसार उसमें स्पष्ट ये किया गया है कि वो किसी भी धर्म के रीति रिवाज के अनुसार अपनी पसंद का भोजन ले सकते हैं। ये वही संजय रॉय है जो बढ़िया बढ़िया खाना खाएंगे, मटन बिरयानी खाएंगे, जिसको कोलकाता पुलिस ने आर्जिकल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म करने के मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया था। संजय रॉय पर आरोप है कि उसने सेमिनार हॉल में सो रही डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया, उसकी हत्या कर दी और सीसीटीवी फुटेज और ईयरबड सहित कई सबूतों के आधार पर संजय रॉय को पुलिस ने पकड़ा है। फिलहाल वो जेल में है और सीबीआई इस केस की पूरी जांच कर रही है। वहीं आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और साथ साथ अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी जेल में है। संदीप घोष और ताला थाना प्रभारी अभिजीत मंडल को करप्शन के केस में गिरफ्तार किया गया है। संदीप घोष के खिलाफ मेडिकल कॉलेज के पूर्व उपाधीक्षक डॉक्टर अख्तर अली ने संस्थान में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें अस्पताल में शवों की तस्करी का आरोप था, उन पर बायोमेडिकल कचरे में भ्रष्टाचार का आरोप था, भाई भतीजावाद जैसे कई गंभीर आरोप संदीप घोष पर लगाए गए थे, जबकि अभिजीत मंडल पर आरोप है कि सबूतों से छेड़छाड़ में इनका हाथ था। लेकिन जिस तरीके का फैसला ममता दीदी ने कैदियों के लिए लिया है उसका हर कोई विरोध कर रहा है। भाई, लोग कह रहे हैं कि ममता दीदी को आखिर हुआ क्या है, आखिर क्यों ममता दीदी हर दिन कोई ना कोई फैसला लेकर फंसती नजर आ रही है। कभी उनकी पुलिस पर आरोप लगता है, सीबीआई कभी उनकी पुलिस पर आरोप लगाती है, कभी ट्रेनी डॉक्टर की मांगों को ना मानने का आरोप ममता बनर्जी पर लगता है, कभी संदीप घोष को बचाने का आरोप लगता है। तो अब ममता दीदी का ये बड़ा फैसला। फिलहाल ममता दीदी के इस फैसले पर आप क्या कहेंगे, जिसके तहत संजय रॉय और संदीप घोष जेल में बैठकर जेल के अंदर मटन और मछली का आनंद उठाएंगे। फिलहाल इस पूरे रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।